हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप हैबिट को इंग्लिश में व्यक्त करने के लिए कैसे बोलते हैं? अब अपनी आदत को बताने के लिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हैबिट कि हम किसी भी अपनी किसी भी आदत को इंग्लिश में व्यक्त करने के लिए किस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मुझे चाय पीने की आदत है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में? देर आर थ्री वेज टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम तीन तरीकों से बनाते हैं। देर आर थ्री वेज टू मेक द इंग्लिश ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, तो इसको हम किस किस तरह से हम बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे हम इसको? तो चलिए आज हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि अपनी हम आदत को, किसी भी तरह की आदत को, हम किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखिए, दिस इज हैबिट। उसे चाय पीने की आदत है, उसे चाय पीने की आदत है। तो इसको हम इंग्लिश में किस किस तरीके से बनाएंगे? तीन तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं किस किस तरीके से बना रहे हैं। तो उसे चाय पीने की आदत है, तो पहला है ही इज इन हैबिट ऑफ टेकिंग टी। दूसरा तरीका है ही इज हैबिचुअल ऑफ टेकिंग टी। और तीसरा तरीका है ही हैज हैबिट ऑफ टेकिंग टी। ठीक है फ्रेंड, तो तीन तरीके से हम इसको हम बना सकते हैं इंग्लिश में, उसे चाय पीने की आदत है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मुझे सुबह कसरत करने की आदत है, आई एम इन हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। ओके, दूसरा बनाएंगे आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ही इज सॉरी मुझे सुबह, तो आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन तरीके के हैं। तो अभी मैं आपका इसका पास्ट बता रहा हूं आपको, उसे सिगरेट पीने की आदत थी, उसे सिगरेट पीने की आदत थी। तो ही वॉज इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। दूसरा तरीका ही वॉज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग। तीसरा तरीका ही हैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये पास्ट का है जिसमें हम वॉज वर लगाकर इसमें बनाया हमने, और जो हैज हैव वाला है उसमें हैड लगाकर बनाया। आपको अच्छे से पता है जो भी सेंटेंस हैज हैव से बनते हैं उसका पास्ट हम हैड से बनाते हैं, और जो भी सेंटेंस इज आर एम से बनता है उसका पास्ट हम वॉज वर से बनाते हैं। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से देख लो कि हम कभी भी किसी भी तरह की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हम कैसे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कभी भी किसी भी तरह की आदत को हम अगर इंग्लिश में अगर हमको एक्सप्रेस करना हो, तो हम इस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। तीन तरीके हैं, आप तीनों तरीके में से कोई भी एक तरीका बोल सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वो आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे उन बच्चों को उस कमरे में सोने की आदत है,
उन बच्चों को उस कमरे में सोने की आदत है। तो दोज बॉय हैव हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन दैट रूम। ठीक है, मेरे भाई को दूध पीने की आदत है। माई ब्रदर हैज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। मेरे पिताजी को सुबह दौड़ने की आदत है। माई फादर इज हैबिचुअल ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, मेरे दोस्त को गीत गाने की आदत है। माई फ्रेंड इज इन हैबिट ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, उस बच्चे को शाम को खेलने की आदत है। तो दैट चाइल्ड इज इन हैबिट ऑफ प्लेइंग इन द इवनिंग। हम लोगों को नदी में नहाने की आदत है। वी आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग बाथ इन द रिवर। ठीक फ्रेंड, अभी हम पास्ट की सेंटेंसेस को लेते हैं, पास्ट की, जिसमें हम वाज वर और हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उसे रोज जिम जाने की आदत थी। ही वॉज इन हैबिट ऑफ गोइंग टू जिम एवरी डे। उन लोगों को नदी में तैरने की आदत थी। दे वर इन हैबिट ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। उस आदमी को दारू पीने की आदत थी। दैट मैन हैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। मेरे पिताजी को दूध पीने की आदत नहीं थी। माय फादर हैड नॉट हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। क्या तुम्हें सिगरेट पीने की आदत थी? वर यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग? या हैड यू हैबिट ऑफ स्मोकिंग? उसे दोपहर में सोने की आदत थी। ही वॉज इन हैबिचुअल ऑफ स्लीपिंग एट नून। हम लोगों को उस मैदान में खेलने की आदत थी। तो वी वर इन हैबिट ऑफ प्लेइंग इन दैट ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हैबिट, किसी भी तरह के हैबिट को बताने के लिए हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।